हेलो नमस्ते दोस्तों, सात्री शर्मा किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं। आज हम मैगी बनाने की रेसिपी लेके आए हैं। ये हमने मैगी बनाने की सारी सामग्री ले लिया है। ये हमने 2 चम्मच ऑयल की ली है, 1 कटी हुई प्याज ली है, ये कटा हुआ टमाटर लिया है, ये 3 कटी हुई मिर्ची ली है और ये थोड़ा सा धनिया पत्ती लिया है, ये 2 पैकेट मैगी का लिया है। ये हमारा पैन गरम हो गया है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। हमारा ऑयल गरम हो गया है और इसमें प्याज डालेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा इसमें मिर्ची पाउडर डालेंगे और थोड़ा नमक डालेंगे और इसमें मैगी मसाला डालेंगे। हम इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। अब हम इसमें 1 कटोरी पानी का डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। अब हमारा मसाला पक गया है। अब हम इसमें मैगी डालेंगे। इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। हमारी मैगी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ये बच्चों को बहुत पसंद है। देखिए हमारी मैगी बन चुकी है। इसको हम भी बना सकते हैं तो आप भी बना सकते हो। अब हम इसमें धनिया पत्ती डाल लेंगे। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। अब हम इसमें स्वाद के लिए सॉस डालेंगे। हमारी मैगी तैयार हो गई है। हमारी मैगी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।